हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास देख लीजिए एक फ़ोन है रियलमी 6। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं इसका कैमरा आप किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें कैमरा का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये देख लीजिए इसमें कितनी सारी डस्ट है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए। और फ्रंट में भी दोस्तों काफ़ी डस्ट धूल गई हुई है, तो आज हम इसका कैमरा क्लीन करना सीखेंगे। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, साथ में आपको बेल आइकन ज़रूर दबा देना है। मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोबाइल बैंक से रिलेटेड नई नई वीडियोज अपने चैनल पर रोज़ अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। दोस्तों आप फोल्डर से रिलेटेड और मदरबोर्ड से रिलेटेड आप कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आपको मदरबोर्ड या फोल्डर बाय करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फ़ोन को आपको डिसेंबल करना होगा, अगर डिसेंबल की वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी रियलमी 6 की, तो आपको डिसेंबल करना होगा। और उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है ये देख लीजिए, दोस्तों एक यही फ़ोन नहीं है, कोई और फ़ोन है, कोई और प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको फ़ोन को डिसेंबल करना होगा, यहाँ से आपको फिंगरप्रिंट का कनेक्टर निकाल देना है। और ये हमारे सामने दोस्तों देख लीजिए फ़ोन का जो बैक पैनल है वो पूरा खुल के तैयार है, देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैमरा, ये देख लीजिए ये बैक कैमरा है और ये फ्रंट कैमरा आपको दिख रहा होगा ये, और इसका जो लेंस है वो भी काफ़ी धूल हो रखी है उसमें, वो भी साफ़ करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टर निकाल देना है, और ये हमारा फ्रंट कैमरा है देख लीजिए। तो दोस्तों आपको क्लीन करने के लिए ये देख लीजिए ये क्लीनर है इसका थीनर, और आप थीनर के साथ साथ दोस्तों आप फैलकॉन का यूज़ भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए ये फैलकॉन है, तो आप इससे भी आप कैमरा क्लीन कर सकते हैं और थीनर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो पहले से ही थीनर से क्लीन करता हुआ आ रहा हूँ कैमरा, तो मैं थीनर से ही यूज करूँगा। और आप देख लीजिए किस तरीके से करते हैं कैमरा, आपको एक साफ़ कॉटन का कपड़ा ले लेना है और दोस्तों हल्के हाथ से करना है आपको, अगर आप जोर लगाओगे तो उसके लेंस में स्क्रैच भी आ सकते हैं, तो हल्के हाथ से साफ़ कपड़ा लेना है और उसमें थिनर लगाना है और हल्के हाथ से करना है आपको क्लीन, ये देख लीजिए इस तरीके से। और इसका आप जो ग्लास होता है कैमरे के आगे जो टच वाला ग्लास होता है उसे किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं ये देख लीजिए। तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हैं फ्रंट कैमरा भी और रियर कैमरा भी आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और आप इसका लेंस जो ग्लास होता है दोस्तों कैमरे के बाहर जो ग्लास प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं, लेंस भी बोल सकते हैं, इसे ग्लास भी बोल सकते हैं, तो आप उसे भी क्लीन कर दीजिए क्योंकि धूल उसमें भी काफ़ी बैठी होती है। तो ये देख लीजिए काफ़ी डस्ट था इसमें, तो ये देख लीजिए इस तरीके से आप एक एक करके जितने भी कैमरे हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों जिस तरीके से आपने डिसेंबल किया था फ़ोन को उसी तरीके से आपको सिंपली असेंबल भी कर देना है।
तो दोस्तों, अगर आपको परमानेंट डस्ट का सॉल्यूशन करना है तो आपको सिंपली, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाई है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं आप, परमानेंट क्या सॉल्यूशन रहता है इसका, कि आप अगर एक बार क्लीन कर दो तो फिर बार बार ये प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस तरीके से आप बाहर भी क्लीन कर सकते हैं, देख लीजिए लेंस को। तो ये देख लीजिए दोस्तों, आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैं, पूरा क्लीन हो गया है। पहले कैसे दिख रहा था आपने देखा था, जब स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था तो काफ़ी डस्ट था इसके अंदर, तो अब पूरी तरीके से क्लीन कर लिया हमने। और कैमरा भी 100% दोस्तों साफ़ हो गया होगा जब क्लीन हो गया तो। तो उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, ये देख लीजिए, पूरे नट लगा देने हैं और जो बैक पैनल आपने ओपन किया वो सब आपको पैक कर देना है फ़ोन को अच्छे से। तो ये देख लीजिए, हमारा फ़ोन भी ऑन हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही यार दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर।